नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। और दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को और रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम बात करेंगे फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न जो कि जीएसटीआर 10 में फाइल करनी है, फाइनल रिटर्न जो कि तब फाइल करनी है जब आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करवा लेते हैं, जो कि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि आपका थ्रेशोल्ड कम हो गया, आपने बिजनेस बंद कर दिया, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में आप जब रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देते हैं, कैंसिल करवा देते हैं, तो आपको अपने फाइनल रिटर्न एक फाइल करना जरूरी है। यहां पर जो इसका रेलेवेंट कानून है वो तीन सेक्शंस हैं बेसिकली, जो हमें समझने वाली बात है, सेक्शन 45, सेक्शन 39 और सेक्शन 47, सेक्शन 45, 39 एंड 47। 45 जो फाइनल रिटर्न का सेक्शन है, वहां पर लिखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन वो इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 36, 39 सबसेक्शन 1। 39(1) में जो उसको 3B फाइल करना है, उसको वूज रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन कैंसल्ड हैज टू फर्निश ए फाइनल रिटर्न विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर। 3 months within the from the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, आपको एक final return prescribe, जो भी prescribe format में final return होगी। और prescribe format rule 81 में बताया गया है, जो कि GSTR 10 है, आपको return file करनी है। अब जानना जरूरी ये है दोस्तों कि section 39(1) में किसको return file करने की जरूरत होती है। सेक्शन 39(1) में सभी रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है, एक्सेप्ट 4 लोग। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न फाइल नहीं करनी होती 39(1) में, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसको फाइल नहीं करनी होती, जो पर्सन जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट टैक्स डिडक्ट करता है उसको फाइल नहीं करनी होती, और जो टैक्स कलेक्ट करता है सेक्शन 52 में उसको रिटर्न 39(1) में फाइल नहीं करनी होती। मतलब ये हो गया कि अगर ये 4 लोग, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कंपोजिशन डीलर सेक्शन 51 डीलर, टीडीएस वाला सेक्शन 52, टीसीएस वाला, ए अगर सरेंडर करते हैं, कैंसिलेशन होता है, तो इनको फाइनल रिटर्न डीवेट जीएसटीआर 10 में फाइल नहीं करनी है। अब बात आती है आगे की कि रिटर्न, ये देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक नोटिफिकेशन आई, बेसिकली नोटिफिकेशन जो 26 अक्टूबर 2018 को आई, उसमें उन्होंने बताया गया कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे थे लेकिन फाइनल रिटर्न फाइल नहीं हो रही थी, 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर की बात करनी थी। अब उन्होंने एक रिलीफ दी, जनरल रिलीफ दी कि 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2018 तक जितने भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं उनकी रिटर्न आप 31 दिसंबर 2018 तक फाइल कर सकते थे। जिसने वो रिटर्न फाइल नहीं की, जो 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2018 तक कैंसिल हुए हैं, 31 दिसंबर 2018 तक जिसने वो रिटर्न फाइल नहीं की, उसके ऊपर फी लगेगी। फी जो है प्रिस्क्राइब्ड है वो सेक्शन 47 में है। अगर आपने अपने रिटर्न जो फाइनल रिटर्न है फाइल नहीं की, तो 100 रुपीज पर डे पर एक्ट, 2 एक्ट है सीजीएसटी एसजीएसटी, 100 रुपीज पर डे पर एक्ट मैक्सिमम ऑफ 5000, मतलब 200 रुपीज पर डे जो है मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज तक आपको वो पेनल्टी या फी कहें वो लग सकती है। उसके बाद आपको जब ये फाइल करना है तो क्या करना है, फाइल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप जीएसटीआर 10 फिल करें तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस, फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना नंबर सरेंडर कर रहे हैं तो भविष्य में आपने वो प्रेजेंट प्लेस ऑफ बिजनेस तो छोड़ दिया होगा, भविष्य में आपसे क्या उसी प्लेस ऑफ बिजनेस वाले एड्रेस पे कम्युनिकेट करना है या किसी और एड्रेस पे कम्युनिकेट करना है, या आपने उनको बताना है आगे। अब आप मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर डे पे आपने नंबर सरेंडर किया, उस दिन आपने डिटरमाइन किया कि आपके पास इन्वेंटरी कितनी है, इन्वेंटरी इन इनपुट्स, इन्वेंटरी इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, इनपुट इन फिनिश्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब आपने ये देखना है कि क्या आपने इन सबके ऊपर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था तो आपने वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी लिया था उन गुड्स के ऊपर रिवर्स करना है, और इसकी रिवर्सल की कैलकुलेशन रूल 44 में प्रोपोर्शनेट होगी। जितना आपके पास आप टैक्स इनवॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट लेते हैं, उसी टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे आपका क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स होगा। प्रोपोर्शनेट जितना आपके पास स्टॉक इन्वेंटरी होगा उतना क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा। कैपिटल गुड्स के केस में जो भी आपने क्रेडिट लिया होगा उस क्रेडिट में से उतना कम रिवर्स करेंगे जितने पीरियड के लिए आपने कैपिटल गुड्स को यूज कर लिया है। 5 साल यूजफुल लाइफ लेकर चलते हैं कैपिटल गुड्स की, 1/60 फॉर एवरी मंथ,
आप रिड्यूस कर दे, मान लीजिए आपने 15 महीने के लिए जो है कैपिटल गुड्स को यूज कर लिया है, तो 15/60 जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोपोर्शनेट आएगा उतना पोर्शन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसमें से घटा दे, रिमेनिंग को मान लीजिए 100 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, 15 रुपए आपका जो है वो 15/60 का प्रोपोर्शन आता है तो 15 रुपए घटा दे और 85 रुपए आप रिवर्स कर दे जो क्रेडिट का आपके पास हो। अगला सर्कमस्टेंस डीवेट जीएसटी 10 भरते हुए आ सकता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइसेस ही नहीं है, तो आपको मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना है उस इन्वेंटरी का, उस कैपिटल गुड्स का, और उसके ऊपर जो भी टैक्स पेबल आएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स पेबल विच एवर इज हायर, आपने जीएसटीआर 10 फाइल करते हुए टैक्स पे करना है। अगर आप मार्केट प्राइस के बेसिस पर टैक्स पेबल डिटरमाइन करते हैं तो आपको सीए का एक सर्टिफिकेट चाहिए जो जीएसटीआर 10 में आपने लगाना है। दोस्तों ये सारी बातें हमने आपसे जीएसटीआर 10 के बारे में की है। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रैक्टिसेस में, अपनी डेली रूटीन लाइफ में इसका यूसेज ले पाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।